नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी शॉपिंग करने के लिए कैश नहीं है और आप फिर भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू आप शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके मैं दिखा देता हूं कि मुझे कितने का क्रेडिट यहां पर मिला हुआ है फ्लिपकार्ट पे लेटर पर। तो हम आ जाते हैं अकाउंट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट ऑप्शन में फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 34,796 रुपीज़ यहाँ पर मेरा अवेलेबल क्रेडिट शो हो रहा है। तो मैंने इस महीने में ऑलरेडी यहाँ पर 204 की शॉपिंग कर ली है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम बैलेंस शो हो रहा है। जब मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर 35,000 रुपीस शो होने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अवेलेबल क्रेडिट में आपको पे लेटर और ईएमआई का ऑप्शन शो होंगे। तो पे लेटर में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 7,000 मुझे मिले थे, तो अगर मैं कोई भी शॉपिंग करता हूँ 7,000 के अंडर में तो यहाँ पर पे लेटर से पेमेंट डिडक्ट होगी और ये पेमेंट मुझे अगले महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में करनी होगी। और ये जो ईएमआई पर जो बैलेंस शो हो रहा है, यहाँ पर मैं 7,000 के ऊपर की कोई भी शॉपिंग करता हूँ तो ये ईएमआई से कटेगी, तो ये पेमेंट मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। अगर यहीं पर हम बात करें इंस्टॉलमेंट की, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कितने रेट का है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ईएमआई बनवा सकते हैं, जैसे कि 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ पूरे 1 ईयर की। तो मैं आपको दिखाता हूं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू शॉपिंग कैसे करते हैं। तो मैं यहां से कोई मोबाइल बाई करता हूं। मोबाइल बाई करने के लिए यहां पर देख सकते हैं बाई नाउ का ऑप्शन शो होगा, तो आपको बाई नाउ पर टैप करना है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं इस मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, यहां पर आपको नीचे देखने को मिल जाती है, तो आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पेमेंट मेथड देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर और यहाँ पर जो भी आपने पेमेंट मेथड ऐड किए होंगे वो यहाँ पर शो होने लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं UPI वैलेट, पोस्टपेड, क्रेडिट डेबिट, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI, इजी इंस्टॉलमेंट, कैश ऑन डिलीवरी और गिफ्ट कार्ड। तो हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू शॉपिंग करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7,000 के ऊपर का ये मोबाइल है, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट EMI कैसे अप्लाई होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट पे लेटर पर टैप करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EMI वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट EMI प्लान, तो आपको यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3 मंथ की बनवाना चाहते हैं या फिर 6 मंथ की या 9 मंथ की या पूरे 1 ईयर की, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 24% का इंटरेस्ट पे करना होता है, तो आप जितने दिनों की EMI बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। EMI प्लान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर जैसे ही ऐप टैप करते हैं आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऑर्डर हो जाता है। तो मुझे ये मोबाइल नहीं परचेज करना है, मैं आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करके दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर एक ट्राइपॉड ऑर्डर करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्राइस है 389 रुपीज़, तो हम यहाँ से बाई करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होता है। उसके बाद हम फ्लिपकार्ट पे लेटर पर टैप करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अब ये प्रोडक्ट थोड़ा कम रेंज का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं EMI प्लान हाइड हो चुका है और यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन आ रहा है जिसमें 7,000 रुपीज़ मुझे मिले थे। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यू प्राइस डिटेल पर आपको 0 शो होगा, तो आपको प्लेस ऑर्डर पर टैप करना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर में हमारा अवेलेबल बैलेंस कितना शो हो रहा है, तो हम फ्लिपकार्ट पे लेटर पर टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर मेरा 593 रुपये इस महीने का पूरा टोटल बिल हो रहा है
और यहाँ पर देख सकते हैं व्यू ट्रांजेक्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने क्या क्या ऑर्डर किया है इस महीने में और कितने का सामान आपने परचेज किया है। यहाँ पर उसका प्राइस भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल विल बी जनरेटेड 1 जनवरी। यहाँ पर मैं दिसंबर में जो शॉपिंग करूँगा उसका पेमेंट मुझे जनवरी में 1 से 5 तारीख के बीच में ही करना होगा। अगर मैं 1 से 5 तारीख के बीच में इस पेमेंट को क्लियर नहीं करता तो मुझे वहाँ पर कुछ चार्जेस पे करना होगा। और साथ ही अगर आप 1 से 5 तारीख के बीच में पेमेंट नहीं करते तो आपके क्रेडिट स्कोर में भी इसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको 1 से 5 तारीख के बीच में ही अपने पेमेंट को क्लियर कर देना है। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।